हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज किरण। तो इस वीडियो में मैं सीसैप का काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये है सीसैप का होम पेज, एंड सीसैप का होम पेज के लेफ्ट साइड देखोगे तो ये है सीसैप स्पेशल राउंड्स इन्फॉर्मेशन सेक्शन। यहाँ पे जो सेकंड वाला नोटिफिकेशन है सीसैप स्पेशल राउंड्स काउंसलिंग शेड्यूल, इसी को अगर तुम क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन होगा एंड इस पेज में सारा डेट्स मेंशनड है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है उन्होंने। तो यहाँ लिखा है स्पेशल वैकेंट सीट्स फिलिंग राउंड्स Hereafter called special rounds will be conducted only for NITs, IITs and other GFTIs except IITs after completion of all the JOSA rounds as per the following schedule। ये जो special rounds होने वाला है CSAP का, ये सिर्फ NIT plus system के लिए है, IIT के लिए नहीं है। तो यहाँ events और dates हम लोग देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला event है वो है display of vacancies after JOSA rounds। तो ये डिस्प्ले होने वाला है 27 नवंबर 2021 को, मतलब आज डिस्प्ले हो जाएगा, शाम तक या रात तक डिस्प्ले हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रोसेसिंग फी एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स। तो ये स्टार्ट होने वाली है 28 नवंबर को, कल से। तो ये रजिस्ट्रेशन का डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज है उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया था एंड वो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, लेकिन जोसा काउंसलिंग के दौरान वो लोग टाइम पे अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट राउंड से उनका कैटेगरी जनरल में चेंज हो गया था। तो अभी उनके पास चांस है कि वो लोग अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं एंड उनके पास टाइम है सिर्फ 28 नवंबर का 5 बजे तक ही। तो कैटेगरी चेंज से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड अगर तुम लोग मेरे प्रोफाइल पे जाओगे तो ये वाला प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है सीसैप 2021। तो ये वाला वीडियो देख लेना जिनको भी अपना कैटेगरी चेंज करवाना है एंड तुम लोग ध्यान देना, जिनको भी कैटेगरी चेंज कराना है उनको मेल भेजना है 28 नवंबर 5 बजे से पहले ही भेजना है। जितना भी डिटेल्स है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है तो तुम लोग जाके देख लो। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सीसैप से रिलेटेड, तो जितने भी सीसैप से रिलेटेड वीडियोज होंगे मैं इसी सीसैप प्लेलिस्ट में एड करती जाऊंगी। हम लोग देख लेते हैं कि जो सीसैप का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कब खत्म होगा। ये खत्म होगा 30 नवंबर 2021 का। तो तुम्हारे पास 3 दिन है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए, 28, 29 एंड 30th। एंड उसके बाद जो सीसैप का फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 दिसंबर को। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो तुम्हारे पास ऑनलाइन रिपोर्टिंग का टाइम है 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर के बीच। उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि तुम लोग क्या क्या विलिंगनेस ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है फ्री, स्लाइड और फ्लोट। इसके बारे में तो तुमको पता ही है, अगर जो राउंड वन में मिला अगर तुमको पसंद आया तो तुम फ्रीज कर सकते हो या तो स्लाइड और फ्लोट कर सकते हो। इन सब के अलावा भी और भी ऑप्शन है, यहाँ तुम देख सकते हो। चौथा ऑप्शन है सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। तो तुमको जो भी अलॉट हुआ है राउंड वन में वो तुमको सीट नहीं चाहिए एंड उसको सरेंडर करके तुम नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हो। या फिर फिफ्थ वाला ऑप्शन है सरेंडर अलॉटेड सीट एंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इन नेक्स्ट राउंड। इसका मतलब है जो भी तुमको सीट मिला है, अलॉट हुआ है राउंड वन में, वो तुमको सीट नहीं चाहिए और तुम फर्दर राउंड राउंड टू में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो। एंड थर्ड में है नॉट अलॉटेड एनी सीट एट द एंड ऑफ स्पेशल राउंड वन एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड टू। तो राउंड वन में तुम्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तुम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हो। एंड यहाँ देख सकते हो लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी ये है 5 दिसंबर, टाइमिंग दिया हुआ है 2 बजे तक। एंड देन डिस्प्ले ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड टू ये है 7 दिसंबर को, राउंड टू का रिजल्ट अनाउंस होगा। एंड फिर उसके बाद है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगा तुम्हारा 7 से लेके 9 दिसंबर के बीच। उसके बाद लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी ऑफ स्पेशल राउंड टू दैट इज 9 दिसंबर, ये 5 बजे तक कर सकते हो। एंड फाइनली उन्होंने लिखा है कि रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल कैंडिडेट्स ऑफ सीसैप स्पेशल राउंड्स 1 एंड 2 हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट्स, कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड देयर सीट बाय पेइंग पार्शियल एडमिशन फी ड्यूरिंग जोसा 6th राउंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बैलेंस फी पेबल बाय कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, विजिट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। तो जितने भी लोग को भी सीट मिल जाता है, चाहे वो सीसैप के बाद हो या फिर जोसा राउंड 6 के बाद हो, तो उनको अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में 7 से लेकर 13 दिसंबर तक रिपोर्ट करना है। तो देखो सारे इंस्टीट्यूट का अलग अलग डेट हो सकता है, तो इसलिए बोला है कि तुम लोग अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट का वेबसाइट चेक करो एक्चुअल रिपोर्टिंग डेट के लिए। बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का 7 से लेकर 13 दिसंबर तक ही है रिपोर्टिंग डेट, कुछ कुछ कॉलेज का थोड़ा डिफर कर सकता है। तो तुम लोग को ये सारे डिटेल्स अपने रिस्पेक्टिव अलॉटेड कॉलेज में ही मिलेगा सारा डिटेल्स।
ये तो मैंने बता दिया तुम लोग को सीसैप का टेंटेटिव शेड्यूल। तो सीसैप से रिलेटेड जो भी डिटेल वीडियो है मैं कल तक पोस्ट करने का ट्राई करती हूँ, एंड जो भी मैं अपलोड करूंगी तुम लोग को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ये सीसैप 2021। तो होपफुली जितने लोग भी सीसैप का स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तुम लोग नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, एंड जो भी बिजनेस रूल है वो तुम लोग अपने से पढ़ने का ट्राई करो जितना समझ में आता है, ठीक है। अदरवाइज मैं कल तक एक पूरा डिटेल वीडियो इस पे अपलोड कर दूंगी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।